बेसहारा बच्चों को सहारा देगी राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत ने किया ऐलान। राजस्थान की महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने वात्सल्य फोस्टर केयर योजना के पोस्टर का उद्घाटन किया। बाल अधिकारिता विभाग ने यह पोस्टर जारी किया है। इस अभियान से जुड़ने के लिए आवेदनकर्ताओं को सुविधा देने के लिए एक QR कोड बनाया गया है, ताकि भावी पोषक माता पिता आसानी से आवेदन कर सके। बाल अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर इस कोड का लिंक भी दिया गया है। राजस्थान वात्सल्य योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य में रहने वाले सभी अनाथ और बेसहारा बच्चों का पोषण करना है। इसके लिए आवश्यक है कि आवेदक भारतीय हो और राजस्थान में पिछले 2 सालों से रह रहा हो। बच्चे के पालन पोषण के लिए 4,000 रुपए मिलेंगे। बाल अधिकारिता विभाग की सेक्रेटरी आरुषि मलिक ने बताया कि विभाग द्वारा नवाचार के रूप में एक बाल हक ई बॉक्स स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों को सहायता देना है जो किसी मुसीबत में फंसे हैं या फिर किसी प्रकार का अपराध कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि माता पिता को बच्चे की देखभाल के लिए वात्सल्य फोस्टर केयर के तहत 4,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना से 51 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। पोषक माता पिता के लिए योग्यता। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अगले पोषक माता पिता के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। भावी माता पिता की आयु 25 से 65 साल के बीच होनी चाहिए और लाभार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। विभाग का अनुमान है कि सरकारी कार्यक्रम से अधिक जरूरतमंद बच्चों को पारिवारिक जीवन मिल सकेगा, इसके साथ ही वे खुशहाल जीवन जी सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।